कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। एट क्लास का हमारे चैप्टर है, ठीक है, और चैप्टर नंबर एट है आपका, जहाँ पे आप लोग पढ़ोगे सेल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि सेल होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय सेल, किसने सेल की डिस्कवरी की थी, कैसे लोगों को ये पता चला कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी बॉडी है, आप लोग प्लांट्स की बात कर सकते हो, एनिमल्स की बात कर सकते हो, ह्यूमन बींग्स की बात कर सकते हो, या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात कर सकते हो। हर एक ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ पर है वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं सेल्स के, यानी कि सेल से ही हमारी शुरुआत होती है, हमारी लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एक सेल से होती है। सो व्हाट डू मीन बाय सेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल को डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर आप कह सकते हो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डिफाइनिंग अ सेल। तो एक जो लाइफ होती है, एक जो जिंदगी होती है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एक सेल से होती है, और फिर धीरे धीरे जो सेल है वो अपना मल्टीप्लीकेशन करता रहता है, और वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइज धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, मेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स और फीमेल प्रोड्यूस करती है ओवम, ये दोनों गैमेट्स हैं। जब इनका फ्यूजन होता है तो वो जायगॉट बनाता है, जायगॉट एक सिंगल सेल होता है, और इसी जायगॉट से धीरे धीरे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यानी कि हमारी लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सेल से ही होती है, इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ कहा गया है। डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल को डिस्कवर किसने किया था और कैसे किया था, कौन से ईयर में किया था। सो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। कैसे डिस्कवर किया था, ही टुक अ स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क का मतलब क्या होता है, जो ट्री होता है, ट्री की जो बार्क होती है, बार्क जो इसका तना होता है पेड़ का, उसकी जो बाहर की जो छाल होती है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक ट्री का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम कॉर्क बोलते हैं उसको ले लिया, और उसको उसने माइक्रोस्कोप में देखा। इस माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसको क्या दिखाई दिया, उसको दिखाई दिया हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स उसको दिखाई दी, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी शेप में उसको कुछ दिखाई दिया, यानी कि इस तरीके से उसको कुछ सेल दिखाई दी। उसने उनको नाम दिया सेल्यूलाइट उसको उनको नाम दिया, और फिर सेल्यूलाइट से वर्ड निकल के आया सेल, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जो ट्री है उसका एक कॉर्क का टुकड़ा लिया, कॉर्क का मतलब जो बार्क, जो तना होता है पेड़ का, उसकी जो छाल होती है उसको कॉर्क बोलते हैं। तो कॉर्क को उसने लिया, अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा, उसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, उसने उनको नाम दिया सेल्यूलाइट, और फिर सेल्यूलाइट से वर्ड निकल के आया सेल। ये तो थी बात एक सेल को लेके। कॉर्क, कॉर्क को हम बेसिकली क्या मानते हैं, कॉर्क डेड होता है, वो डेड होता है, यानी कि अगर हम कहें कि डेड सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर कोई पूछे कि लाइव सेल, एक जिंदा सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो आप लोग जवाब दोगे एंटन वॉन ल्यू बेन होक। एंटन वॉन ल्यू बेन होक ही फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड अ लाइव सेल, एक जो जिंदा सेल होता है वो डिस्कवर किया था एंटन वॉन ल्यू बेन होक ने, और डेड सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जनरली हम लोग पूछते हैं कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग डेड या लाइव मेंशन नहीं करते हैं, वी सिंपली गिव द आंसर रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल इन द ईयर 1665, ठीक है। जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज आई हैव मेंशन हियर दैट अ लाइव सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यू बेन होक एंड अ डेड सेल दैट इज कॉर्क, फ्रॉम द कॉर्क द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। नहीं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपको आंसर देना है रॉबर्ट हुक इन 1665, एंड हाउ ही ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप, ही ऑब्जर्व्ड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, ही नेम्ड देम सेल्यूलाइट इन लैटिन लैंग्वेज, एंड लेटर ऑन द वर्ड सेल केम फ्रॉम सेल्यूलाइट। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सेल, कितने होते हैं नंबर ऑफ सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक ही सेल के बने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। जो
ऐसे सेलुलर जो एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं और यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर यानी काम को बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज शेप एंड साइज ऑफ द सेल। शेप जो होती है, साइज जो होता है, हर एक सेल का अलग अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता। शेप की अगर बात करें तो सेल हमारे ओवल शेप में हो सकते हैं, क्यूबॉइड शेप में हो सकते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ एनी शेप। और जो शेप है वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म पे, यानी कि जो साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है एक सेल की शेप, कि उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए और या फिर वो फंक्शन कौन से करेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर सेल के फंक्शन कौन से हैं उस पर भी शेप डिपेंड करती है। और साइज जो है, साइज भी हर एक सेल का अलग होता है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज को हम लोग मेजर करते हैं माइक्रोन्स में, इसको बोलते हैं माइक्रोन्स, ठीक है। और माइक्रोन्स का मतलब होता है 10^-6 मीटर। सेल जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटी यूनिट के होते हैं, तो इनके लिए हम छोटी साइज भी यूज करते हैं, यानी कि माइक्रोन। अगर बड़ी है तो हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर भी यूज कर सकते हैं अगर बड़ी यूनिट है तो, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग माइक्रोन का यूज करते हैं। N1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10^-6 मीटर। तो शेप एंड साइज ऑफ ईच ऑफ द सेल जो है वो सबकी अलग अलग रहती है, किसी की सेम नहीं होती। और शेप और साइज डिपेंड करता है कि जो सेल है उसका फंक्शन क्या है, कहाँ वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की बात करते हैं। व्हाट इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर कैसा होगा सेल का? अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो एक सेल के अंदर बेसिकली तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला होता है साइटोप्लाज्म, सेकंड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, सेल मेम्ब्रेन। एंड थर्ड इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट माने गए हैं एक सेल के। सो हियर आई एम शोइंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम की हेल्प से। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम हियर, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से और ज्यादा दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने एक सेल का डायग्राम बनाया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, यानी कि सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर जो भी फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है, फ्लूइड यानी कि जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस एक राउंड शेप का यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को हम एक सेल का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल की सारी एक्टिविटीज अपने कंट्रोल में रखता है। इसके साथ साथ जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करवाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में अ सेल हैज बेसिकली थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड इज सेल सॉरी साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड इज न्यूक्लियस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल। इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन द ईयर 1665। ही ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज ओन डिजाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ही ऑब्जर्व्ड हनीकॉम्ब-लाइक स्ट्रक्चर्स। ही नेम्ड देम सेलुलॉइड एंड देन सेल, ठीक है। लाइफ से अगर पूछे लाइफ से किसने डिस्कवर किया था, एंड देन वॉल ह्यूमन हुकली। देन व्हाट आर द नंबर ऑफ सेल? टू नंबर होते हैं यूनिसेलुलर अगर एक सेल के बने हैं तो, और मल्टीसेलुलर अगर एक से ज्यादा सेल्स के बने हैं तो। शेप एंड साइज ऑफ द सेल वो डिफरेंट होती है हर किसी की, वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे या फिर डेंसिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म पे डिपेंड करता है। नॉर्मली हम लोग -6 मीटर यानी कि